हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल होप किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन के पराठे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। वैसे अक्सर आपने ज्यादातर इसकी सब्जी बनाकर खाई होगी, लेकिन आप एक बार पराठा बनाकर खा लेंगे तो आप जब घर में सब्जी नहीं होगी तो आप इस पराठे को बनाकर जरूर खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है और साथ ही मैंने एक कटोरी सोयाबीन ले ली है। जब पानी उबल जाए तो हम उसके अंदर सोयाबीन को डालकर 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि सोयाबीन अच्छे तरीके से फूल जाए। सोयाबीन को गर्म पानी में भिगोने से बहुत ही जल्दी फूल कर तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप 1 से 1.5 घंटे पहले ठंडे पानी में भी भिगो कर रख देंगे तो सोयाबीन अच्छे से फूल जाएंगे। सोयाबीन देखिए मेरा ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गया है। अब इसका मैं एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज कर लूंगी और फिर इसे हम चॉपर में डालकर ग्राइंड करेंगे। आप इसे मिक्सी में भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। सोयाबीन को ग्राइंड करते समय ही मैं इसमें 3-4 हरी मिर्च डाल दूंगी। आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सोयाबीन ग्राइंड हो चुका है। आप चाहे तो पैकेट में ग्राइंड किया हुआ भी सोयाबीन मिलता है, आप वो ले सकते हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, 1 टीस्पून जीरा, और जब जीरे का कलर चेंज हो जाए तो 3-4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हम इसका कलर चेंज होने तक पका लेंगे। कलर प्याज का बहुत ही अच्छा आ चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला या चिकन मसाला आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल देंगे। हमें इस रेसिपी के अंदर अलग से कोई मसाले लेने की जरूरत नहीं होती है। इसमें बेसिक मसाले जो हम रेगुलर रोज यूज करते हैं, हम उसी को डालकर अच्छा सा टेस्ट वाला पराठा बना सकते हैं। अब इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ हम सोयाबीन डालेंगे और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि सोयाबीन के अंदर अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया हो तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर सोयाबीन के अंदर थोड़ा सा भी पानी होगा तो पराठे बेलते समय पराठे फट जाएंगे। मिक्सचर हमारा अच्छा तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम हरा धनिया भी डाल देंगे। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। उसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून अजवाइन लेकर हाथ से रब करके इसे डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। ऑयल की जगह पर आप घी भी ले सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर ठंडे पानी से ही आटा गूंद कर तैयार करेंगे। जब तक मैं आटा गूंद रही हूँ तब तक अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आटा मैंने अच्छे तरीके से गूंद कर तैयार कर लिया है। साथ ही मैंने छोटी छोटी लोइयां भी बना ली है। अब इसमें से एक लोई लेंगे और इसे सूखे आटे में कोट करके इसे हम अच्छे से शेप में बना लेंगे ताकि इसके अंदर हम अच्छी सी स्टफिंग कर पाए। बीच में थोड़ा सा हम मोटा ही रखेंगे। अगर पतला हो जाएगा तो हम जब पराठे को बेलेंगे तो पराठा फट सकता है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भर देंगे। मैंने 2 चम्मच स्टफिंग भरी है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्टफिंग भरने के बाद हम बहुत ही धीरे धीरे अपने हाथों से प्रेस करते हुए इसे हम अच्छे से सील कर लेंगे और फिर सूखे आटे में कोट करके हम बिल्कुल एक नॉर्मल रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। इसी तरीके की सिंपल और इजी रेसिपी में मैंने गोभी के पराठे, आलू के पराठे, सत्तू के पराठे, प्याज के पराठे और भी कई पराठों की वैरायटीज को मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। आप मेरे YouTube चैनल से इस रेसिपीज को देख सकते हैं। और अगर आप लिट्टी और कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से अलग अलग वैरायटीज की लिट्टी बनाकर खा सकते हैं।
सोयाबीन के पराठे को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लिया है और तवे को मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल नॉर्मल पराठे की तरह इसे हम सेक लेंगे। आप इस पराठे को वेजिटेबल ऑयल या घी दोनों में बना सकते हैं, दोनों में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में आप इसके संग रायता या अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ये पराठे इतने फूले फूले और नर्म बनते हैं कि बच्चे भी इसे खूब पसंद करके खाएंगे। और वैसे भी बढ़ते बच्चों को तो सोयाबीन खिलाना बहुत जरूरी होता है, तो आप जब अपने बच्चे को टिफिन में सोयाबीन के पराठे बनाकर देंगी तो आपके बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे और टिफिन पूरा फिनिश करके आएंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझे यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।